150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदले, पार्लियामेंट नहीं बनाई, कर्तव्य पथ नया बनाया और इस देश में से आतंकवाद और नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिया। भाइयों और बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, बाला साहब ठाकरे को सिर्फ आप नहीं, मैं नहीं, देश भर की जनता पलकों पर बिठाती है, इनके सिद्धांतों के कारण पलकों पर बिठाती। मुझे बताओ, ये संभाजी नगर का नाम बदलने के लिए जो रखने के लिए विरोध करते थे, वो बाला साहब के वारिस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? आज उद्धव ठाकरे जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिनके पास बैठे हो, जिनके साथ बैठे हो, उन्होंने 370 हटाने का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया और औरंगाबाद से संभाजी नगर की यात्रा को रोक कर रखा था। किस मुंह से आप महाराष्ट्र की जनता के सामने आएंगे? मित्रों, ये लोग सिद्धांतों की राजनीति नहीं करते हैं, देश की राजनीति नहीं करते हैं, ये लोग अपने परिवार की राजनीति करते हैं। मित्रों, आज मैं कहने आया हूं, मोदी जी ने यूपीए की सरकार देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़ कर गई थी और ये जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब चिदंबरम साहब अंग्रेजी में कहते थे, इकोनॉमी को जानने वाले लोग ही देश को बचा सकते हैं। भाई ठीक है, मनमोहन सिंह जी और आप बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मगर अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, आपने 11वें नंबर पर ही रखा। मोदी जी ने 10 साल में कोरोना के बावजूद 11वें नंबर पर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी। और संभाजी नगर वालों, मेरी बात सुन लो, ये मोदी गारंटी है, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, 5वें नंबर से देश का अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंचने का काम नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने देश को दुनिया में गौरव दिला है। जो लोग विदेश में जाते हैं उनको मालूम है भारत के पासपोर्ट का सम्मान कितना हुआ है, भारत का सम्मान कितना हुआ है। नरेंद्र मोदी विश्व के एकमात्र नेता है जिनको दुनिया के 14 से ज्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न जैसा पुरस्कार मोदी जी को देने का काम किया है। और मित्रों, ये मोदी जी का सम्मान नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान देश के 130 करोड़ की जनता का और मेरे संभाजी नगर के भाइयों और बहनों का सम्मान है। और मित्रों, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी भाषण उठा कर दे, मोदी जी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में बोलते हैं, भारतीय भाषा में बोलते हैं, भारत का सम्मान बढ़ाते हैं। मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और कांग्रेस ने क्या किया, एक कांग्रेस पार्टी और एक गमंडिया गठबंधन जो महाराष्ट्र में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने आला वाला है उसको जान लो, ये लोग डिनायल मोड में आ गए हैं। इन्होंने 370 का विरोध किया, 3 तलाक हटाने का विरोध किया, ओबीसी कमीशन बनाने का विरोध किया, कश्मीर में वाल्मीकियों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध किया, जीएसटी कानून का विरोध किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ट्राइबल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का विरोध किया, भारत में वैक्सीन आई उसको बदनाम करने का विरोध किया, नए संसद भवन का विरोध किया, कर्तव्य पथ का विरोध किया और अंत में राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया। मित्रों, ये लोगों को डिनायल मोड में आ गए, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते, विरोधी उनका काम बचा है। भारत को अगर विश्व में आगे बढ़ाना है
भारत को आगे ले जाना है, विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना है, विकसित भारत बनाना है, तो केवल और केवल मोदी जी ही बना सकते हैं। और मैं संभाजी नगर तो मांग कर आया हूं भाई, संभाजी नगर मांग कर आया हूं। पूरे देश में संभाजी नगर का जाम नाम पूछते हैं और कोई पूछता है वहां से एमपी किस पार्टी का है, तो कहते हैं मजलिस का है। क्या आप लोग आज यहां से तय कर जाएंगे कि ये मजलिस को उखाड़ कर फेंकेंगे और मोदी जी को एक कमल यहां से भेजेंगे? आप तय करते हैं? जोर से बोलिए, तय करते हैं? मोदी जी को 400 पार कराओगे? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? भारतीय जनता पार्टी को 370 पार कराओगे? 2047 में विकसित भारत बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग अंत तक दोनों हाथ उठाएं और 400 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे साथ बोलेगा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।